मैं आज NCL के सिलेबस और उसकी तैयारी के बारे में बताने वाला हूँ। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल फिटर टेक्निकल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हम स्टार्ट करते हैं। फिटर टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ NCL एग्ज़ाम के बारे में कि जो NCL एग्ज़ाम का जो सिलेबस आया है उसमें क्या क्या आना है और किस तरीके से हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्त, मैं NCL एग्ज़ाम के बारे में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे हम जो बात करेंगे, इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें रहेंगे दोस्त, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, ये लिखा हुआ है। और 100 क्वेश्चन दो पार्ट में रहेंगे इसमें, यानी कि हमारा जो पेपर आएगा वो ए पार्ट और बी पार्ट दो पार्ट में आएगा। ए पार्ट जो रहेगा उसमें 70 क्वेश्चन आएंगे जो लिखा हुआ है ये, और बी पार्ट जो रहेगा ये 30 क्वेश्चन का आएगा। इसमें जो हमारे पेपर होना है, इसमें टर्नर का पेपर अलग से होगा, मशीनिस्ट का पेपर अलग से होगा और फिटर का पेपर अलग से होगा। तो इसमें जो 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा ये सबका अलग अलग रहेगा, और ये 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा ये सबका सेम रहेगा। तो हमें ये 70 नंबर के पेपर में क्या क्या आना है या किस तरीके से उसकी तैयारी करना है, मैं ये आगे बताता हूँ। और 30 नंबर का क्वेश्चन का मैं अभी बताता हूँ आगे कि किस तरीके से हम इसका भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट्स में हमारा पेपर आएगा, ए पार्ट और बी पार्ट। इसके बाद हमें जो 100 क्वेश्चन करने के लिए जो हमें टाइम मिलेगा वो 90 मिनट्स या 90 मिनट का टाइम मिलेगा। तो दोस्त, टाइम बहुत ही अच्छा है 100 क्वेश्चन करने के लिए, जो 90 मिनट मिल रहा है तो ना बहुत कम है और ना बहुत अधिक है। तो हमें यह है कि तैयारी थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी हम इस पेपर को पूरा कर सकते हैं। और हमारा एग्ज़ाम का जो डेट रहेगा, वो एग्ज़ाम का डेट दिखाया गया है, ये हमारा 27/12 को एग्ज़ाम होगा, यानी कि 27 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम होगा। तो दोस्त, ये 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में करना है और उसमें दो पार्ट में रहेगा, 70 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, ए पार्ट और बी पार्ट। अब हम पहुँचते हैं इसमें क्या क्या किस तरीके से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो जो हमारा जो ए पार्ट्स है, जो उस जो ये दिखाया गया है, ये पार्ट है, ये पार्ट रहेगा, ये जो दिखाया गया है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये पार्ट है, ये पार्ट रहेगा ये, और ये 70 नंबर का रहेगा जो मैं अभी ये डिस्कशन कर रहा हूँ, ये पार्ट रहेगा और 70 नंबर का रहेगा। तो ये दोस्त, हम 70 नंबर कैसे तैयारी कर सकते हैं ताकि हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें, तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो है बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अरिथमेटिक का मतलब होता है अंकगणित, अंकगणित के कैलकुलेशन। एलजबरा मतलब बीजगणित के, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रहता है जो साइन थीटा कॉस थीटा, और स्टैटिक्स रहता है, इसके सवाल होते हैं स्टैटिक्स के। तो ये जो पॉइंट है, ये चार पॉइंट है। तो इसके लिए तैयारी करने के लिए मैं दो बातें बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात यह है कि आप इसके वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की बुक रहती है, ये वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की बुक होती है, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की बुक होती है, तो उससे आप कर सकते हो। या फिर अपने इस चैनल पर फिटर टेक्निकल पर मैं रोज़ ही एक वर्कशॉप कैलकुलेशन का, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का मैं एक एक वीडियो रोज डालूंगा, तो आप उससे देख सकते हैं। क्योंकि ये वर्कशॉप कैलकुलेशन के बिना आप किसी भी किताब से पढ़ोगे तो आप उसमें नहीं मिलेगा एक साथ। तो ये जो पहला वाला पॉइंट है, ये वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन से हम क्लियर कर सकते हैं। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक से कर सकते हो, यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक वीडियो रोज़ अपलोड करूँगा, पहले अरिथमेटिक कैलकुलेशन करूँगा, एलजेब्रा का करूँगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री का करूँगा और स्टेटिक्स का करूँगा। तो रोज़ आप एक वीडियो देख करके उससे आप तैयारी कर सकते हैं बिना टेंशन फ्री। इसके बाद है दूसरा जो पॉइंट है हमारा, ये दूसरे पॉइंट में आएगा बेसिक नॉलेज ऑफ सिस्टम यूनिट, यूनिट एंड कन्वर्जन। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बनाना, मिलीमीटर को माइक्रोन में बनाना, तो ये यूनिट कन्वर्जन होते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन भी आपको वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन में मिल जाएगा, जो वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की जो बुक होती है उसमें आपको वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की बुक में मिल जाएगा। जो वर्कशॉप एंड ITI में आप लोगों ने देखा होगा, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की जो बुक होती है उसमें ये आपको दूसरा वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, बेसिक 10th लेवल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन वो किस लेवल के आएंगे, 10th लेवल के आएंगे। जिस प्रकार से मैं बता दूँ, जैसे ओम का नियम है,
ओम का नियम होता है, फेराडे का नियम होता है, तो ये सारे नियम आएंगे। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन भी इसमें आएंगे, तो ये भी वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की बुक में एक चैप्टर है, उसमें मिल जाएगा, या फिर हम वीडियो बनाएंगे उससे आप देखेंगे। तो मैं इसमें जो बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसमें वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल यानी कि हमें जो मेटल होता है उसके प्रॉपर्टी बताना है कि मेटल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या मिला दें तो क्या होगा। जैसे मैं कह दूं कि मेटल में कार्बन मिला देने से क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, फ्यूजिबिलिटी क्या होता है, तो इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है, तो आप उससे देख सकते हैं, या वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन। तो ये जो पॉइंट है ये भी वर्कशॉप वाली बुक से आप क्लियर कर सकते हैं, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आ जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ जिग्स। ये देखो ये थोड़ा अलग हो गया, आप ये जिग है, ये ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग के बाद है मशीनिंग प्रोसेस। तो मशीनिंग प्रोसेस जैसे रीमिंग, टेपिंग ये रहते हैं, ड्रिलिंग हो गया, रीमिंग हो गया, फाइलिंग हो गया, हेक्सैंग हो गया, तो ये आपके मिलेंगे फिटर थ्योरी की जो बुक्स होती है, थ्योरी का फिटिंग सिद्धांत का बुक होता है, ये फिटिंग सिद्धांत का जो बुक होता है उससे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो फिटिंग सिद्धांत की बुक्स में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बेसिक वाला, ये दो बार पॉइंट आ गया तो ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद सिक्स पॉइंट आ गया, सिक्स पॉइंट में आपको कैसे क्या समझना है इसमें देखिए, बेसिक नॉलेज ऑफ पाइप फिटिंग। ये पाइप फिटिंग है, ये बेल ड्राइव है, गियर ड्राइव है, तो ये भी आपको फिटर की जो बुक रहेगी उसमें आपको मिल जाएगा, फिटर की किताब में, और मैंने भी कई वीडियो इसके अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर। इसके बाद है ये सेवन क्वेश्चन है, नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेजरिंग एंड मशीनिंग टूल एंड इस प्रिंसिपल। तो मेजरिंग टूल जो होते हैं, डिफरेंट मेजरिंग टूल जैसे स्टील रूल हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, बर्नियर कैलिपर हो गया, तो उनके प्रिंसिपल या सिद्धांत, जैसे माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसके प्रिंसिपल भी हमें बताना है, तो ये भी फिटर की बुक से क्लियर होगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं रोज ही ऑप्शनल क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, तो आप उससे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमें तैयारी के लिए एक रूटीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लगभग 35 से 36 डेज का टाइम बचा है, तो उसी में हमें पूरा एकदम डिटेल्स पढ़ना है और ऑप्शनल की तैयारी भी करनी है। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट फिट टॉलरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी फिटर का आएगा, स्पेशली फिटर में ही होता है ये, तो फिटर का लिमिट फिट और टॉलरेंस आप चैप्टर मेरे चैनल पे जाके आप क्लियर कर सकते हो। इसके बाद है नाइन्थ नंबर है, नॉलेज ऑफ जनरल सेफ्टी रूल। जनरल सेफ्टी रूल्स जो होते हैं, जैसे 5S होता है, 5S में हमें कैसे काम करना है, 5S में इन सभी S का क्या मतलब होता है, 5S सेफ्टी रूल्स होता है। और इसके बाद वर्क प्लेस पर हमें फायर एक्सटिंग्यूशर को कैसे यूज करना है, जैसे मान लीजिए ऑयल फायर लगी हुई है तो उसमें हमें किस एक्सटिंग्यूशर का यूज करना है जो आग को बुझाने में यूज होता है, तो ये भी आपकी फिटर की बुक में ही मिल जाएगा, जो फिटर की किताब होती है उसमें मिल जाएगा, आप डिटेल्स पढ़ सकते हो, ऑप्शनल की तैयारी आप हमारे चैनल पर कर सकते हो। इसके बाद टेंथ नंबर का जो है ये जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हीकल इंटरनल कम्बशन इंजन। तो हमें थोड़ा सा इंजन के जो इंटरनल और एक्सटर्नल दहन इंजन होते हैं, जो अंतर्दहन और बाह्य दहन इंजन होते हैं, उनके बारे में भी ये भी आपका फिटर की किताब में मिल जाएगा। यदि फिटर की किताब में नहीं मिलेगा तो मैं इसका एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। इसके बाद देखिए इसमें एक और एग्जामिनर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, एज पर कोर्सेस ऑफर्ड बाई रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस। यानी कि इन जो मैंने फिटर की जितने भी ये आपको बताए हैं सारे, जैसे जिसमें मैंने फिटर लिखा है और ऊपर मैंने इधर वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन लिखा है ऊपर, तो इसमें मैंने जितने भी बताए हैं, तो इसके अलावा भी कुछ आ सकता है जो ITI के सिलेबस में है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप यही याद करें, आपको फिटर का पूरी बुक से तैयारी करना पड़ेगा। तो हम तैयारी करवाने के लिए आपके साथ हैं, आप हमारा चैनल का जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसको देखिए, लेकिन मैं ऑप्शनल क्वेश्चन ही अपलोड करूंगा। आपको इसकी डिटेल्स पढ़ने के लिए वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की बुक लगाना पड़ेगी और फिटर की बुक भी पढ़ना पड़ेगी, ताकि आप जब पढ़ोगे तभी ऑप्शनल समझ में आएगा आपको। अब सेकेंड जो 30 नंबर का पेपर होना है, जो बी पार्ट है, ये बी पार्ट 30 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा, ये पेपर थोड़ा कठिन होगा। क्यों कठिन होगा? क्योंकि ये सारे बच्चे जो रहेंगे अलग अलग वाले, जो फोरमैन वाले हैं, वो भी इस 30 नंबर के पेपर को करेंगे, बी पार्ट जो उसमें भी सेम रहेगा, टर्नर वालों में भी रहेगा, मशीनिस्ट वालों में भी रहेगा, तो सभी में ये रहेगा, इसीलिए ये पेपर जो है कॉमन टाइप का आएगा। जैसे इसमें देख लीजिए, सामान्य ज्ञान इसमें आएगी, सामान्य ज्ञान इसमें दिखा रहा है, देखिए इसमें
सामान्य ज्ञान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध या भारत और अंतर्राष्ट्रीय के बीच जो संबंध हुआ है अन्य देशों के साथ, उनका भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद इसमें देखिए खेल से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, खेल है, पुस्तकों, कोई नई किताब लिखी गई होगी, कोई पुरस्कार किसी को मिला है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए आप चाहें तो एक महीने की जो अपना जो पिछला महीना अभी निकल गया उस महीने की आप चाहें तो एक मंथली जीके की बुक्स आती है, वो बुक्स आप खरीद सकते हैं, तो उसमें ये सारा खेल रक्षा पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी ये सब दिया रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन भी आएंगे, रीजनिंग के कौन कौन से आएंगे इसमें देखिए, तार्किक से रिलेटेड आएंगे, मौखिक और मानसिक क्षमता से रिलेटेड, पर्यायवाची भी आ सकते हैं, विलोम शब्द आ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के आ सकते हैं, व्याकरण से रिलेटेड वर्ड आ सकता है। तो ये थोड़ा कॉमन टाइप का पेपर होना है, तो इस पेपर के लिए आपको हिंदी के विलोम शब्द और यानी कि अंग्रेजी में जो जैसे हम सिनोनिम कहते हैं इसको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आप तैयारी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद इसमें देखिए, इसमें जो मैंने वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की बुक बताई थी उसमें देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी आ सकता है, स्पीड का आ सकता है, ठीक है, रिलेशनशिप, वर्क रिलेशनशिप, जैसे एक मजदूर एक काम को इतने दिन में, दूसरा मजदूर इतने काम को इतने दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये लॉस प्रॉफिट भी आ सकता है। गति से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे गति वाला जो क्वेश्चन होता है कि कोई कार इतनी गति से जा रही है, इतनी गति से वापस आ रही है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद इसमें और दिए हैं जो सेक्शन ए है, तो ए सेक्शन बी था हमारा, और इसके पहले जो हमने आपको बताया था वो सेक्शन ए था। तो इस तरीके से हम चाहें तो पूरी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान दीजिए, आपकी जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो आपको टाइमली सॉल्व करना है, क्योंकि अपने पास टाइम जो है कम रहेगा, अपन को एक क्वेश्चन करने के लिए लगभग एक मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमें 90 मिनट में हल करने हैं। तो आप जो भी ऑप्शनल की तैयारी कीजिए, हमारे चैनल से कीजिए या किसी किताब से कीजिए, तो आप उसको टाइम देख के क्वेश्चन हल कीजिए, क्योंकि आपको टाइम कम पड़ सकता है। तो दोस्त ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी तैयारी करना है, तो आप तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल